आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर बाजपुर से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील टम्टा ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में दाखिल किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनीता टम्टा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दुखी होकर पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने सुनीता टम्टा को बाजपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची हुई थी, जहां पर सुनीता टम्टा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। बात है तो हम बाजपुर में घमंड से मुकाबला करने के लिए, भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए पूरे बाजपुर के लोगों के सहयोग से खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा है एक मंत्री का, तो उसने पराकाष्ठा की है भ्रष्टाचार की, चाहे वो आपदा का घोटाला हो केदारनाथ का हो, चाहे वो NH-74 हो, चाहे वो रोडवेज बसों का घोटाला हो, चाहे वो छात्रवृत्ति घोटाला हो, और उसके बावजूद उनकी जो शैली है महाघमंडियों वाली है, उस घमंड से हमारा मुकाबला, और निश्चित रूप से घमंड हारेगा। कमजोर नहीं, बाजपुर की जनता जो है वो मेरे साथ न्याय करेगी और वो मेरे साथ है। जितना मुझे दबाने की कोशिश की जाएगी, मैं उतना और उभर के जनता के सामने आऊंगी और जनसेवा करूंगी। मैं बाजपुर की जनता के, चाहे वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी शिक्षा और भी बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेके मैं जनता के बीच आऊंगी। वहीं गंगोली हाट में कांग्रेस प्रत्याशी खजान चंद्र गुड्डू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी गंगोली हाट सुंदर सिंह को सौंपा गया। नामांकन करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खजान गुड्डू का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर खजान गुड्डू का कहना है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार से जनता इस वक्त परेशान हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पनपने जा रही है और जनता कांग्रेस के पक्ष में है। हिसाब से काबिल व्यक्ति को चुने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ही चुने, क्योंकि मुझे पता है कि 7 साल से विधानसभा क्षेत्र में रहा हूं, दौरे किए हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि जनता जरूर मुझे मान सम्मान के साथ वोटिंग करेगी, वोट करेगी। लेकिन फिर भी मेरा अपील है कि 14 तारीख को ना बोले। वहीं हरिद्वार में विधानसभा कलियर से भाजपा पार्टी के प्रत्याशी मुनीश सैनी ने नामांकन अपना जमा कराया है। समर्थकों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मुनीश सैनी ने कहा कि इस बार कलियर में फूल खिलने जा रहा है, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 60 के ऊपर सीटों पर जीत हासिल करेगी। जनता पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। और प्रदेश व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और अपने कलियर में विधानसभा के प्रत्येक मतदाता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे एक सामान्य कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और वहाँ पर सभी सामूहिक जो निर्णय किए जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को कहीं पर भी किसी भी समय कहीं पर भी उनका ड्यूटी लगाई जाती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छाई है। और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, तो इसलिए हम लोग जो किसी द्वेष के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, और हम सब लोग जो मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी हमारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल। कालाडूंगी में 60 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी महेश शर्मा ने कालाडूंगी तहसील परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी महेश शर्मा को इस बार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार पहले से ही तेज कर दिया है। नैनीताल जिले कालाडूंगी सहित 6 सीटें कांग्रेस का परचम लहराएंगी। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है, और मैं कल भी करना चाह रहा था लेकिन कारणवश नहीं कर पाया, और आज
मैंने सिर्फ अपने अनुमोदक और प्रस्ताव से कहा था यहाँ आने के लिए। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग नामांकन में अपना समर्थन देने आ गए। कार्यकर्ताओं में एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ता या इस क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है, तो लोग उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं, चारों ओर से समर्थन मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में माहौल बना हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बिल्कुल निश्चित तय है। नैनीताल जिले में हम काला ढूंगी ही नहीं, पूरी 6 की 6 सीटें कांग्रेस का परचम लहराएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लालकुआ तहसील पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कराया। वहीं भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने लालकुआ तहसील पहुंचकर अपना नामांकन कराया। इस दौरान पवन चौहान ने भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक महिला का सम्मान तक नहीं किया है, उससे आगे जनता क्या ही उम्मीद कर सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा अगर पैनल में से किसी के नाम के आगे है तब ठीक होता, लेकिन जिसका नाम पैनल में ही नहीं था उसको टिकट देकर भाजपा ने अपनी मंशा को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। देखिए, लालकुआ विधानसभा में, जो कि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र चुरगलिया से लेकर बिंदुखत्ता तक लंबे चौड़े एरिया में है, अलग अलग क्षेत्रीय अलग अलग समस्याएं हैं। यदि हम चुरगलिया क्षेत्र में देखें और अपने बरेली रोड को देखें, यहाँ पर खनन से जुड़े हुए लोग प्रमुख रूप से हैं, जिन लोगों का मुख्य मुद्दा, जिनका मुख्य रोजगार खनन है। इन लोगों के लिए हमें काम करना है, क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं, खनन सत्र शुरू हो जाता है, उसके बाद भी गोला में खनन शुरू नहीं हो पाता। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं स्थायी रूप से इसका समाधान करूँगा कि अगर 1 अक्टूबर से खनन सत्र शुरू होना है तो 1 अक्टूबर से गोला में खनन सत्र शुरू हो जाएगा। इस विधानसभा में 25 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरे को पूरी जानकारी है कि इस विधानसभा में कौन से महत्वपूर्ण कार्य है। बेरोजगारी का मुद्दा जो मेरे संज्ञान में हमेशा रहता रहा, मैंने बहुत प्रयास किया है, मेरा प्राथमिकता उन्हीं को है जो बेरोजगार हैं, जो बच्चे बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, वो परिवार ठीक हो, ये मेरी प्राथमिकता है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर कलियर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल वहीद ने नामांकन जमा कराया, जहां पर समर्थकों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अब्दुल्ला वहीद ने कहा है कि अब की कलियर की में सीधी टक्कर कांग्रेस विधायक फुकरान से है और उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा कलियर सीट पर पूर्ण बहुमतों से जीत हासिल करने जा रही है। चुनौती विकास, गरीब आदमी का विकास करने की रह गई है, गरीब आदमी का विकास करेंगे, गरीब आदमी की पीड़ा, उनके दुख दर्द, उनके दुख दर्द का साथ देंगे। सीधी टक्कर किससे बांध रहे हैं आप? सीधी टक्कर हमारी फुकरान से होगी। अच्छा, क्या क्या समस्या है आम आदमी जनता की, आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता भी शिक्षा कर रोजगार स्वास्थ्य का यही रहेगा जी, बाकी विकास का रहेगा। वहीं ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जयेंद्र रमोला ने कहा कि उन्हें टिकट दिए जाने से कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी जो हैं वो नाराज हैं, जिन्हें लगातार अपने पक्ष में लाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवान और अन्य कांग्रेस नेताओं की नाराजगी को दूर किया जाएगा और उन्हें मना लिया जाएगा। जयंत के अनुसार लगातार क्षेत्र में उन्हें भरपूर जनसहयोग भी मिल रहा है। खुशनुमा माहौल है और खुशनुमा माहौल में आज शुभ मुहूर्त में हमने नामांकन किया और मेरे साथ वरिष्ठ ऋषिकेश के वरिष्ठ कांग्रेस जन मातृशक्ति युवा शक्ति मेरे साथ कांग्रेस भवन ने मुझे स्वागत किया और इस बार जो जनता का मूड है वो अपने आप में देखने को मिलता है और एक दूसरे से अगर आप चर्चा भी करेंगे तो इस समय जनता का मूड प्रदेश के साथ साथ ऋषिकेश की भी सत्ता पलट करने का मन है और इस बार जो 15 साल से सूखा पड़ा है, ऋषिकेश के विकास में सूखा पड़ा है, ऋषिकेश के वृद्धि में सूखा पड़ा है, वो अब 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा और उसकी मोहर 14 फरवरी को बैलेट पेपर पर लगने वाली है।
वहीं बाजपुर में बसपा के प्रत्याशी विजयपाल जाटव का कार्यकाल पहुंचने पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए एसडीएम के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीएसपी प्रत्याशी विजयपाल जाटव ने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक ही थैले के चट्टे पट्टे हैं। इन्होंने हमेशा जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल कर कमजोर वर्ग का उत्पीड़न करने का काम किया है। मेरे द्वारा लगातार बीजेपी में रहकर जनता के लिए संघर्ष करते हुए टिकट की दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन भाजपा ने मेरा टिकट काटकर दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अपने समर्थकों की आवाज पर मैंने भाजपा को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती द्वारा बाजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का आदेश हुआ है। मैं बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मैं बहुजन समाज के साथ अनदेखी नहीं होने दूंगा और उनके हितों की हमेशा रक्षा करूंगा। बहुजन समाज के हितों के लिए संघर्ष करूँगा। उत्तराखंड क्रांति दल के सिंबल पर ऋषिकेश विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे मोहन सिंह असवाल ने कई बातें कही हैं। मोहन सिंह असवाल ने कहा कि 21 वर्ष बीतने के बाद भी उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय दलों ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के निवासियों ने राष्ट्रीय दलों की नहीं बल्कि स्थानीय दलों पर विश्वास जताने का मन बना लिया है। उन्होंने ये दावा किया कि उत्तराखंड क्रांति दल को जिस तेजी के साथ स्थानीय लोग अपना सपोर्ट और वोट के लिए कह रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 मार्च को उत्तराखंड क्रांति दल बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल के रूप में खड़ा होगा। सबसे पहले अपने जो पत्रकार मीडिया बंधु हैं, आप सभी का धन्यवाद करूँगा कि आपने उत्तराखंड क्रांति दल को इस समय जो है आप यहाँ पर उपस्थित हुए। क्षेत्र में तमाम तरीके के जो उत्साह जो मुझे दिखाई दे रहे हैं पब्लिक में, इस समय जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों का पूरा रुझान है। क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस और भाजपा की सरकार देख ली, यहाँ तमाम उनका शोषण कर रही है जनता का, और इस वजह से जो है जनता में इसका जो है रोष व्याप्त है उनमें कि भाई अगर वही लोग बार बार जो है चुने जा रहे हैं, चाहे वो इधर भाजपा में चले जा रहे हैं या कांग्रेस में चले जा रहे हैं, उन्हीं का ही चुनाव होता जा रहा है और ये जनता समझ चुकी है। और क्षेत्रीय पार्टी जिसने अपना उत्तराखंड बनाया, सही हमारे 42 से ज़्यादा लोग जो है इसमें शहीद हुए, और इस तरह से जब जनता के अंदर मैसेज आ रहा तो उत्तराखंड की जो विकास के कार्य हैं वो क्षेत्रीय पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टियों की अपेक्षा ज़्यादा सही ढंग से कर सकती है। लक्सर खानपुर का एक किसान अपनी कृषि भूमि की डोलबंदी के लिए 3 साल से चकबंदी विभाग के चक्कर काटने पर मजबूर है और काफी दिनों से विभाग का चक्कर काट रहा बुजुर्ग अब परेशान हो गया है। आलम यह है कि तहसील परिसर में बुजुर्ग प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठ गया है। पीड़ित बुजुर्ग किसान का कहना है कि उसकी परेशानी का हल निकाला जाए वरना वो अपनी जान दे देगा। पीड़ित ने यह भी जानकारी दी है कि कई साल पहले उनके गाँव में चकबंदी हुई थी। चकबंदी विभाग ने पीड़ित के हिस्से की जमीन की पैमाइश कर दी थी, परंतु उनके सगे भाई ने जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा हटवाने के लिए पीड़ित ने कम से कम 50 बार चकबंदी कार्यालय से संपर्क कर अपने हिस्से आई जमीन की डोलबंदी कराने की मांग की है। वहीं एसडीएम वैभव गुप्ता का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, चकबंदी विभाग से बुजुर्ग की समस्या का हल कराने का तत्काल निस्तारण करने का काम होगा। चकबंदी विभाग मुझे कई साल से दुखी कर रहा, सोचते मुझे बताऊंगा। सन 8 मेरा भाग छोड़ दिया था और बस 2010 में बारिश में नुकसान हुआ छोड़ देगा। अब मेरी 3 साल से डोलबंदी नहीं कर रही। अच्छा एक दिन डोलबंदी करने भी गए, 23 तारीख में सांझ को 5 बजे गए, गद लगा दिए, पुलिस ला रही थी। अगले दिन डोल बांधने जाऊँ तो डोल नहीं बांधने दी मुझे मेरे उन श्याम सिंह ने, और जब मैं फिर कहा तो हटके फिर पुलिस वाले कहने लगे दोबारा फिर डोलबंदी कराओ। अब आप भूगड़ताल बैठे? हाँ जी। कब तक बैठे रहेंगे? मैं तो आज ही बच्चा, आज तमाम नीति बच्चा लूँगा, यहीं मर जाऊँगा, जब तक नहीं मेरा निर्णय नहीं होता। कोई अधिकारी मिलने आया? ना जी कोई नहीं आया मुझे। खबर हरिद्वार से है जहां पर धनोरा वाया तेलीवाला सड़क पर काफी दिनों से गंदा पानी भरा होने से ग्रामीणों का निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत व लिखित पत्र देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह रोड मुख्यालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार जोड़ने वाला है, जिस पर प्रतिदिन बड़े नेता और आला अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, बावजूद इसके मामले का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।